पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव मित्रोल के पास सीएम फ्लाइंग और खुफिया विभाग पलवल की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए अवैध रूप से चल रहे पेट्रोल पंप का भंडाफोड़ किया है। इस पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में मार्केट से आधी कीमत पर डीजल डाला जा रहा था। पेट्रोल पंप के पास किसी भी प्रकार की कोई एनओसी नहीं थी, बावजूद उसके खुलेआम ये चल रहा था। इतना ही नहीं, बायो डीजल के नाम पर डीजल में मिलावट करके बेचा जा रहा था, जबकि इंजन ऑयल की रिसर्च टीम अभी बायो डीजल और लुब्रिकेंट ऑयल पर रिसर्च कर रही है, लेकिन मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये पेट्रोल पंप चलाया जा रहा था। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा डीजल के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप के मैनेजर से पूछताछ की जा रही है। पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव मित्रोल के पास सीएम फ्लाइंग और खुफिया विभाग पलवल की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए अवैध रूप से चल रहे पेट्रोल पंप का भंडाफोड़ किया है। इस पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में मार्केट से आधी कीमत पर डीजल डाला जा रहा था। पेट्रोल पंप के पास किसी भी प्रकार की कोई एनओसी नहीं थी, बावजूद उसके खुलेआम ये चल रहा था। इतना ही नहीं, बायो डीजल के नाम पर डीजल में मिलावट करके बेचा जा रहा था, जबकि इंजन ऑयल की रिसर्च टीम अभी बायो डीजल और लुब्रिकेंट ऑयल पर रिसर्च कर रही है, लेकिन मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये पेट्रोल पंप चलाया जा रहा था। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा डीजल के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप के मैनेजर से पूछताछ की जा रही है।